गुड मॉर्निंग माई लिटिल स्टार्स। बच्चों, मैम आपको होमवर्क देते हैं ना, तो उसमें आपने बुक वर्क करना है। जब बुक वर्क देते हैं तो बुक वर्क करना है, अगर आपको शब्द लिखने के लिए देते हैं तो आपने शब्द लिखने हैं। बुक वर्क में भी आपको प्रॉब्लम आती है कि आप चित्र नहीं बना पाते। कोई बात नहीं, आप चित्र मत बनाइए, चित्र देखकर उसका नाम लिख दिया करो, ठीक है? चलिए बेटा, आज हम देखिए जी देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है। सब बच्चों को मालूम है ना ये क्या है? है ना बेटा, जब हम इसके ऊपर ये बिंदी लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? अंग, है ना? आपने किया हुआ है, पढ़ा हुआ है ना, ये स्वर है अंग से, अंगूर, है ना? और इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? दोबारा बोलो, अनुस्वार। ठीक है, तो बेटा देखो मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी, आप मुझे उनके नाम बताइएगा। सबसे पहले देखो ये क्या है, उड़ती है ना ऊपर आकाश में, इसे उड़ाते हैं। क्या है ये बेटा? पतंग। वेरी गुड, सब बच्चे अच्छे लगते ना आकाश में उड़ती हुई। ये क्या बोलते हैं इसे? दोबारा बोलो, पतंग, पतंग, है ना? देखिए ये क्या है बेटा, ये क्या है? संतरा। क्या है ये? दोबारा बोलो सब बच्चे, संतरा, संतरा, है ना? अब देखो आपकी मम्मा पहनती है ना हाथों में, क्या है ये? नाम बताओ, शाबाश, पहनती है ना हाथों में ये मम्मा, है ना? इसका नाम बताइए। वेरी गुड, कंगन। क्या है? कंगन, है ना? अब देखो ये क्या है बेटा, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे, क्या है ये? रंग, रंग है ना ये, देखो, है ना? रंग। दोबारा बोलो, रंग, है ना? देखो ये क्या है, नाम बताओ इसका, क्या है ये? पंखा। क्या है ये? पंखा। मैम के साथ साथ बेटा नाम बोलना है, जैसे मैम बोल रही है तभी आपको ये मात्रा का समझ में आएगा। आपको पंग, अंक की आवाज आ रही है आपको, पंखा, है ना? अब देखिए ये क्या है, करते हैं ना आप इसको, क्या है ये? गुड, कंघा, कंघा करते हैं ना, है ना, बालों में। और ये देखो ये क्या है बेटा, आप लोग फ्लैग बोलते हो ना इसको, फ्लैग बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? झंडा भी बोलते हैं, झन न के बाद झंडा। और इसे और क्या बोलते हैं? चापाश, बताइए। गुड, तिरंगा, 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 है ना? तीन रंगों वाला हमारा झंडा, प्यारा झंडा, है ना? अब बताओ तितली रानी के पंख कैसे होते हैं? कैसी होती है तितली रानी, कैसी होती है बताओ? रंग बिरंगी। वेरी गुड, शाबाश, रंग बिरंगी होती है तितली, है ना? सुंदर सुंदर रंग बिरंगी होती है। गुड, तो बेटा हम लोगों ने क्या, जब हम बोल रहे थे तो कौन सी बोल रहे थे मात्रा? हम अंग की मात्रा, कौन सी मात्रा बोली हमने? अंग की मात्रा। इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे? शाबाश, बताओ। अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अब मैम आपको कुछ शब्द लिखेंगे, मैम के साथ साथ उन शब्दों को बोलने का अभ्यास करेंगे हम। बच्चों, अब सब बच्चे अपनी नव भारती की बुक पेज नंबर 50 लेसन नंबर 7 निकालिए।
चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है मैम के साथ, बोलो लंगूर, लंगूर अंकी आवाज आ रही है लंग, देखो लंग अंकी आवाज आई, लंगूर अंगूर खा, ठीक है। अब देखिए कुछ हम नीचे शब्द लिखे हुए हैं, इनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ये देखो ये क्या लिखा है मैम ने, बोल कर बताओ मैम को, सब बच्चों को मालूम है ना अब तो, अंग है ना, और ये क्या है अंग की मात्रा, इसको इस तरह से लगाते हैं बस बिंदी लगाते हैं छोटी सी की मात्रा। अब देखो ये लगती कैसे है बेटा, किसी भी व्यंजन के बिल्कुल ऊपर, सिर के ऊपर लगती है, ये जो बीच वाली लाइन होती है ना बेटा, बीच वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर लगती है, ठीक है। अब देखिए जैसे अभी ख लिखा तो ख में कहाँ लगेगी बताओ, ये जो पीछे वाली लाइन है ना, ये लाइन जो होती है इस लाइन के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। और इसकी आवाज कैसी आती है बताओ, अंग की आवाज आती है ना, देखो बोलते देखिए सब बच्चे, झन आ रही ना आवाज, देखो झंडा, झंडा हमारा प्यारा प्यारा झंडा, तिरंगा झंडा है ना। देखो ये क्या है, जंगल, जंगल चट ऊपर आवाज आई आपको उनकी, जंग आ रही है उनमें आवाज, देखो बोलकर है ना। अब देखो नेक्स्ट पढ़कर बताओ मैम को क्या है ये, गुड क्या है ये, बंदर। अगर मैम इसके ऊपर मात्रा नहीं लगाएंगे तो ये देखो पढ़कर देखो क्या बन जाएगा, अगर हम इसके ऊपर मात्रा नहीं लगाएंगे इसको पढ़कर देखिए, बदर, बदर नहीं ना होता, क्या शब्द है ये, गुड क्या है, बंदर। देखो अंक की मात्रा लगते ही अर्थ बदल गया ना। अब देखो ये क्या है, कंगन, मम्मा पहनती है ना हाथों में, क्या है ये, कंगन, आवाज किसके ऊपर आ रही है, कंग के ऊपर आवाज आई ना सब कुछ वो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, गुड क्या है ये, कंघा, कंघा करते हैं ना हम फॉर्म ना बालों में कंघा करते हैं, कंघा। अब देखो ये क्या है, प, प के साथ देखो मैम के साथ कोई मात्रा है मुंह में से नहीं आवाज आ रही, प तंग, मात्रा की आवाज किसके ऊपर आ रही है बताओ, अ के ऊपर या त के ऊपर, शाबाश त के ऊपर आई ना आवाज, अ तंग, गुड शाबाश, बोलोगे ना आपको बेटा बहुत अच्छा लगेगा, मात्रा को बोलने का अभ्यास बार बार करना होता है ना। अब देखो इसको बोलो, मंगल, मंग माँ के ऊपर अंग की आवाज आ गई ना, मंगल। अब ये क्या है, बोलो शाबाश, गुड, रंग, घर के ऊपर आवाज आई ना, रंग। अगर हम इसकी मात्रा हटा देंगे अंग की क्या बन गया है, रग। आप चित्र में रग करते हैं नहीं करते ना, हम चित्र में क्या करते हैं, रंग, अंग की आवाज आ गई ना, रंग। सुनिए बेटा अब मैम के साथ साथ रीडिंग कीजिए, लेसन नंबर 7 निकालिए और अपनी पेंसिल रखिए, और जैसे मैम बोलेंगे बेटा मैम के साथ साथ आपने ऊंची आवाज में बोलना है और इस मात्रा को भी समझने का प्रयास करना है, ठीक है। क्या है मात्रा दोबारा बोलो, अंग की मात्रा है ना, इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार, गुड। अब देखो ऊपर चित्र देखो क्या है, ये चित्र आप लोगों को मालूम है ना बच्चों, आप लोग स्कूल में ड्राइंग भी बनाते भी हैं, है ना, ये क्या है हमारा प्यारा झंडा। अब देखो झ, झ है ना झन, अब झ के ऊपर किसकी आवाज आ गई, आ गई ना बिंदी की आवाज, अंग की आवाज, झंडा, डा के साथ आ की आवाज, झंडा। देखिए क्या है, क, क के साथ अंग की आवाज आ जाएगी तो क्या बन जाएगा ये, कंग, तो क्या ऊपर आ गई ना बिंदी लग गई, कंग, अंग की मात्रा लग गई, कंघा,
कंघा, प तंग। अब देखो प, अब अंग की मात्रा की आवाज किसके ऊपर आ रही है, देखो प तंग, किसके ऊपर आई अंग की आवाज, त के ऊपर। वेरी गुड, शाबाश। तंग, दंदा, धंदा। अब आवाज देखो, आपने आवाज भी देखने के ऊपर आप उस मात्रा को बोल रहे हो ना, ठन ठाकुर को बोल रहे, ठंडा, ठंडा पानी पीते हो ना। रंग, रंग किसके ऊपर आवाज आई, र के ऊपर, है ना। चंदा, खंबा, खंबा, खंबा लगा होता है ना, आपकी गली में बिजली के खंबे लगे होते हैं, है ना। कंगन, 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 मम्मा पहनती है ना कंगन। जंगल, अब आवाज किसके ऊपर आई है बेटा बताओ, ज के ऊपर, है ना, अंक की आवाज आई है। जंगल, लंगूर, अब अंक की आवाज किसके ऊपर आ रही है, ल के ऊपर, और ग के नीचे क्या लगा हुआ, कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा, है ना। मंगलवार, मंगलवार क्या होता है बेटा, जैसे आप दिनों के नाम होते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, संडे, मंडे बोलते हो ना, ये दिनों के वार है, मंगलवार होता है। अब नीचे आइए सब बच्चे, अपनी पेंसिल रखिए साथ साथ, मैम के साथ साथ पेंसिल आपकी, ठीक है, साथ साथ चलोगे आप। लंगूर, मीठे, अब देखो मीठे, माँ के साथ कौन सी आवाज आ गई, मी की आवाज आ रही ना, ठे, अब ठ के ऊपर कौन सी आवाज है, ए की मात्रा, गुड। मीठे, मीठे, अंगूर, खा खा। ये देखो चित्र में पेड़ के ऊपर बैठा है ना लंगूर, ये अंगूर खा रहा है लंगूर, है ना। नेक्स्ट देखो हंस, हंस देखा आप लोगों ने, ये देखो ये तस्वीर में व्हाइट व्हाइट रंग का सफेद रंग का हंस पानी में तैरता है, ठीक है, ये ऐसा होता है हंस, ठीक है। हंस अपने, न के ऊपर कौन सी आवाज आई, अपने, एक ही आवाज, गुड। पंख, प के ऊपर किसकी आवाज है, अंग की आवाज है ना। पंख फैला कर, अब प के ऊपर कौन सी आवाज आई, ए, फैला कर पानी में तैर। अब त के ऊपर कौन सी आवाज है, ये ए, ना, रहा था तभी मंगल। अब यहाँ पर मंगल बेटा इस लड़के का नाम है, जो तस्वीर में बच्चा नजर आ रहा है ना, मंगल इसका नाम है, ठीक है। भागा, भागा आया उनकी तस्वीर। अब ई की आवाज किसके साथ आ रही है, तस्वीर, व के साथ, गुड। बनाकर, रंग
रंगे अब्बा के साथ कौन सी आवाज आई, ए, है ना। मैम ने देखो कैसे बोला, बी रंगे रंग भरने लगा। बेटा अब आपने मम्मा की हेल्प से इसे आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग करोगे ना बेटा तब आपको इसको मात्रा को पहचान में आएगी, और आपने इसके नोटबुक में 10 वर्ड्स भी लिखने, अंक की मात्रा के 10 वर्ड्स अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे आप। चलिए बेटा अब हम करेंगे सुलेख। सुलेख में सब बच्चे इसको पढ़कर देखें क्या लिखा है। गुड, चंदन, देखो चन, च के ऊपर न के बाद आई ना, चंदन, ये नाम है ना बेटा किसी बच्चे का, चंदन है ना। पतंग, प, प के साथ कोई मात्रा के आवाज नहीं आ रही ना, प, तंग, देखो अंक की आवाज आ गई ना, तंग। उड़ा, चंदन, पतंग, उड़ा, इसे आपने सुंदर सुंदर लिखना है। ओके बेटा, बाय, थैंक यू, टेक केयर बेटा।